आम लोगों की समस्याओं का उनके घर द्वार पर जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला का पहला जिला स्तरीय जनमंच कार्यक्रम नदौन विकास खंड की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल धनेटा में आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। जनमंच कार्यक्रम में जिला की विभिन्न पंचायतों से आए 584 लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का संबंधित विभागों के माध्यम से मौके पर निपटारा किया गया। लोगों के विभिन्न प्रकार के पेंशन से संबंधित फॉर्म, प्रमाण पत्र, भू राजस्व से जुड़े तथा अन्य प्रमाण पत्र मौके पर ही बनाए गए। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं को शीघ्र व जल्द गति से निपटाने के लिए पूरे प्रदेश में जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत की गई है तथा आज प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान व प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए संकल्प है तथा इस दिशा में नए कार्यक्रमों का आयोजन, योजनाओं को प्रभावपूर्ण तरीके से क्रियान्वित कर लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम में जिला प्रशासन के माध्यम से लोगों की प्रत्येक समस्या का समाधान सुनिश्चित बनाया गया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन विभिन्न विभागों के माध्यम से प्रत्येक माह के पहले रविवार को जिला के दूरदराज क्षेत्रों में जनमंच कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें जन समस्याओं का मौके पर निपटारा करने के साथ साथ लोगों के विभिन्न प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जन मंच कार्यक्रम में प्राप्त सूचनाओं को ई समाधान के अंतर्गत अपलोड किया जाएगा और 10 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम लोगों के लिए वरदान साबित होगा, जिससे यहां लोगों की समस्याओं का उनके घर द्वार पर निपटारा सुनिश्चित होगा, वहीं उनका धन व बहुमूल्य समय भी बचेगा, जिससे वह अपने अन्य कार्यों में लगाकर लाभ उठा सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई सोच के साथ, एक नए अंदाज के साथ जनमंच का जो एक बजट में जो है वो प्रावधान किया और इस योजना को सिर्फ बजट में बजट बुक तक ही नहीं रखा, बल्कि इसको धरातल में जो है वो उतारा है और इससे जो है वो एक आम जनमानस को जो है वो न्याय जो है वो घर द्वार तक जो है वो मिलेगा, उसकी समस्याओं का समाधान होगा, ताकि हमारी जो एक सोच है पार्टी की कि एक अंतिम व्यक्ति तक, एक गरीब तक जो पहुंचना, ये हमारी प्राथमिकता है। अभी तक तो काम चल रहा है, ज़्यादा मेरे को लगता है कि 300 से तक जो है वो ये संख्या जाएगी और 300 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। हमने कहा है कि हम लोगों को जो है वो बार बार सरकारी कार्यालय में या सरकारी दरवाजे में ना जाना पड़े, उसका समाधान जो है वो घर द्वार तक जो है वो हो जाएगा, जो करने के लायक होगा वो कर दिया जाएगा। अधिकारियों से संतोष नहीं है, शिकायत ऐसा है कि ये जो जिस जनमंच का जो आयोजन किया गया, एक तो बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो रेवेन्यू मैटर्स होते हैं, जिनको जो है वो पूरा करने के लिए समय लगता है, लेकिन जो कुछ ऐसे हैं केसेस हैं जिनको मौके के ऊपर ही जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। तो आज जो मौके पर डिस्पोज ऑफ हम कर रहे हैं, जिनका हम समाधान कर रहे हैं, उनका हम मौके पर ही समाधान कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं, लेकिन कुछ जो वर्षों से चले आ रहे हैं, जैसे FCA से रिलेटेड मामला है, तो वो एक दिन में उसका समाधान नहीं होगा। ये लोग थोड़ा समझने में भी कई चीज़ों की भूल कर रहे हैं। अब जैसे जॉब देने का जो मामला है, ट्रांसफर का मामला है, वो जनमंच का हिस्सा नहीं है, इनका जो है वो एक निरंतर प्रक्रिया है, उसके माध्यम से ही ये होंगे। लेकिन जो आम गरीब आदमी से जुड़े हुए छोटे छोटे मामले हैं, जैसे पेंशन का केस है, किसी बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, छोटी छोटे मोटे सड़क की समस्या है, ऐसी समस्याओं का जो है वो हम मौके पर निपटारा कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम की सरकार सबका साथ और सबका विकास फार्मूले पर काम कर रही है और गरीब आदमी जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उस तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि नदौन के साथ साथ पूरे हिमाचल का विकास उनका और सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि जनमंच कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्वराज अभियान के तहत शामिल विभिन्न विभागों की योजनाओं, जिसमें गृहिणी सुविधा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड्स, वृद्ध अवस्था पेंशन, जनधन योजना, बेटी है अनमोल योजना, डिजिटलाइजेशन, राशन कार्ड, टीकाकरण तथा स्वच्छता अभियान
के बारे में भी समीक्षा की जाएगी तथा शत प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम के आयोजन से 10 दिन पहले लोग अपनी शिकायतें एवं समस्याओं के बारे में संबंधित विभागों को आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश की लोकप्रिय सरकार जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी हैं, उन्होंने 26 मई को पूरे प्रदेश भर में 3 नए कार्यक्रमों को लॉन्च किया है। उनमें से एक जनमंच का कार्यक्रम है। जनमंच यानी जनता का मंच, जिसमें जनता की समस्याओं को प्रदेश की सरकार एक जगह इकट्ठे होकर उसका हल निकालने के लिए, त्वरित उसका हल निकले उसके लिए प्रयास कर, एक सराहनीय प्रयास है। आज पूरे प्रदेश में 12 के 12 जिलों में एक एक विधानसभा क्षेत्र में जनमंच का आयोजन किया जा रहा है। उसमें से हमीरपुर जिला में नदौन विधानसभा क्षेत्र के धनेटा में आज का ये जनमंच का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी व्यक्ति शिकायत लेकर, किसी को अपनी समस्या लेकर प्रशासन के पास आया है, सरकार के पास आया है, उसको 10 दिन के अंदर अंदर उसकी जो शिकायत है उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है उससे अवगत करवाया जाएगा। और जो भी लंबित मामले आम व्यक्ति के आम दफ्तर में बार बार जाने के जाना पड़ता था, उसको उन सबका निपटारा ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, यानी प्रशासन जनता के द्वार, उनको आज घर बैठे ये सुविधा मिले, उसके लिए प्रदेश की सरकार ने ये कार्यक्रम आरंभ किया है। और आज आपने जैसे देखा भी, बहुत भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई है और लगभग 500 से ऊपर जन शिकायतें आज यहां रजिस्टर हुई हैं। इस अवसर पर हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई जनमंच कार्यक्रम की मुक्त कंठ से सराहना की और इसे आम जनमानस के लिए वरदान बताया। सरकार ने रखा है ये ऐसा, मतलब एक ऐसा मौका मिला है कि देखो यहाँ छोटे से छोटी समस्या को भी, जो कभी अपनी समस्या को अपनी मतलब राजस्व विभाग की के सामने पेश नहीं कर पाता था, वो भी आज अपनी समस्या को यहाँ रख के और उनका उसी समय कम समय में और ज़्यादा दूर ना जाते हुए, जैसे कहा जाता है कि शिमला जाना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, मंत्रियों के जो मंत्री तक पहुँचाने में कुछ टाइम लगता था, वो आज समस्या का समाधान उसी समय किसी भी डिपार्टमेंट है, जैसे IPH हो गया, PWD हो गया, उन्हीं को उसी समय उसी समस्या से अवगत करवाया जा रहा है। और ये जो आज जनमंच रखा है, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह के जनमंच हर मंथ या 6 महीने में एक बार हो। तो इससे हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो एक नई पहल की है जनमंच की, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को एक ही मंच पर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बहुत उपयुक्त मंच मिला है। यहाँ पे खुशी हो रही है कि लोग अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी फटाफट जो है उनकी समस्याओं का निपटारा मंत्री महोदय स्वयं सुन के और कंसर्न ऑफिसर्स के पास उनको भेज रहे और जल्दी से जल्दी सारी समस्या का छुटकारा हो रहा है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि जी, ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत बढ़िया पहल की है।